इलमुआ गोश में लेगा तो तुझको ही मिटा देगा, इलम आगोश में लेगा तो तुझको ही मिटा देगा, इलम आगोश में लेगा तो तुझको ही मिटा देगा। अगर तैयार है तो खून में, अगर तैयार है तो खून में डूब जा फिदा हो जा, अगर तैयार है तो खुद में डूब जा फिदा हो जा। दोस्तों, इलम का रास्ता जो है फना का रास्ता है, फिदा होने का रास्ता है। ये कोई धार्मिक मनोरंजन की बातें नहीं है। आजकल ज्ञान की बातें करना, बड़े बड़े शब्द बोलना, बड़े बड़े शास्त्रों की बातें करना एक फैशन बन गई है। लोगों के लिए एक लोक रंजन का एक प्रोग्राम बन गया है। ये कोई लोक रंजन की बात नहीं है। इलम आगोश में लेगा तो तुझको ही मिटा देगा। इलम अगर आगोश में लेता है, मिटा देगा तुझको, तेरे सारे अहंकार को। फिर अहंकार पर खड़े रहने की कोई जगह नहीं रहेगी, लोभ पर खड़े रहने की कोई जगह नहीं रहेगी। अगर तेरा बेस लोभ है या तेरा बेस काम है तो काम पर खड़े रहने की कोई जगह नहीं रहेगी। अगर तेरा बेस ईर्ष्या है तो ईर्ष्या के बेस पर भी बंदे को खड़ा रहने की कोई जगह नहीं मिलेगी। और ज़्यादातर साधारण मानवी तो ये काम, क्रोध, मद, मोह, ईर्ष्या, अहंकार उसी पर खड़ा होता है ना। साधारण का अस्तित्व तो वहां ही खड़ा है। उसका अहंकार पुष्ट होना बंद हो जाएगा तो चिड़चिड़ा हो जाएगा, दूसरे को परेशान करने लगेगा, उसके और ध्यान नहीं देंगे। सेल्फ सेंटर्ड होते कुछ लोग, उसके और ध्यान नहीं देंगे तो उसके और ध्यान जाए, इसलिए सब कुछ करेगा जितने इससे हो पाएगा, ये सब कुछ करेगा। लेकिन ध्यान रखना, ज्ञान मार्ग ऐसा है कि इलम आगोश में लेगा तो तुझको ही मिटा देगा, खत्म कर देगा, सब तहस नहस कर देगा। इलम आगोश में लेगा, एक बार तूने घेर लिया इलम ने तुझको, आगोश में तुझे ले लिया तो तुझको ही मिटा देगा। तेरा जितना भी जो भी गलत है, तुझको मतलब कि संसार जो तेरा है, संसार यानी जो संसारती संसार जो निकल जाते हैं हाथ में से, पानी की अंजलि भर के आप कितना भी प्रयास करोगे तो भी पानी को हाथ में रखने का कोई उपाय नहीं है। धीरे 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 कब बह गया पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि नाशवंत है। तो धीरे 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 पता ही नहीं चलेगा कि तू कब खत्म हो गया इलम के मार्ग पर। और खुद को खत्म करने का ये मार्ग, ये तो सरफरोशी का रास्ता है, ये तो मर मिटने का रास्ता है, ये तो फना होने का रास्ता है, फिदा होने का रास्ता है। इलम आगोश में लेगा तो तुझको ही मिटा देगा, अगर तैयारी है तो खुद में डूब जा फिदा हो जा। खुद में ही डूबना है, खुद में उतर कर फिदा हो जा। और उस फिदाइन हो जाने के बाद, तो एक बार फिदा हो गया तो फिदा हो जाने के बाद का जीवन जो है, और उस जीवन का जो आनंद है, अवर्णनीय है। धन्यवाद महारेश्वरी।